क्वेश्चन नंबर 5 है भाई हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री टैन 15 डिग्री। अब देखो सबसे पहले करते हैं हम साइन 75 डिग्री, यानी कि साइन 75 डिग्री, इसे हमको ब्रेक करना है। देखो हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसे इस तरीके से ब्रेक करना है जिससे कि ये दोनों वैल्यू हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर अवेलेबल हो। यानी कि साइन 45 भी ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर होता है और साइन 30 भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर अवेलेबल होता है। इस तरीके से इसके हमको फैक्टर करना है। अब देखो ये जो होता है हमारा, यानी कि साइन ए प्लस बी, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये साइन ए प्लस बी हमारा होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसके इक्वल होता है। यानी कि ये हमारा फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला इसमें हमें अप्लाई करना है। ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। देखो साइन ए क्या है हमारा, 45 डिग्री इंटू कॉस बी क्या है, 30, कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए क्या है हमारा 45, यानी कि कॉस 45 डिग्री हो गया इंटू साइन बी क्या है 30, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन 45 जो होता है हमारा, साइन 45 होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 जो होता है हमारा, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 प्लस कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/√2 इंटू साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो क्योंकि कोई कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा आपस में, तो ये हो गया हमारा √3/2√2 प्लस ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा 2√2। अब देखो अब इसमें क्या करते हैं, अब हम एलसीएम ले लेते हैं। ये एलसीएम आ गया हमारा, जब हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन के अंदर होता है, प्लस में हो या माइनस में हो, तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। अब देखो ये जो एलसीएम होता है, डेनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इससे तो हमारा डिवाइड हो गया, क्या बचा ऊपर हमारा √3 आ गया, और इससे ये डिवाइड हो गया, क्या बचा 1 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा √3+1 और ये 2√2 ये आ गया। इसको हम इतना भी छोड़ सकते हैं और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम आगे रैशनलाइज कर सकते हैं। देखो इसको रैशनलाइज करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे √6 हो गया प्लस √2 हो गया, और यहाँ पे ये हो गया 2 इंटू रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, ये हो गया हमारा √6+2 और ये 2 × 4 जी आ गया। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि 1/4, और इसको हम इस तरह लिख लेते हैं √2 पहले और ये √6 बाद में, ये आ गया हमारा आंसर। इसका सेकंड पार्ट है tan 15 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको भी ऐसे सॉल्व करना है, यानी कि tan इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 में से 30 माइनस करोगे तो 15 डिग्री बचेगा ना। इसको अभी मैंने पहले बताया था, इस तरीके से फैक्टर करना है कि जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर अवेलेबल हो, 45 भी होता है और 30 भी अवेलेबल है। ये हमारा इस फॉर्म में लिखा हुआ है tan a माइनस बी। ठीक है, tan a माइनस बी होता है हमारा tan a माइनस tan b अपॉन 1+ tan a इंटू tan b। अब इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखो tan a तो ये हो गया हमारा tan a क्या है हमारा 45 माइनस tan b कितना है हमारा 30 डिग्री अपॉन 1+ tan a, tan a यानी कि a कितना है हमारा 45 इंटू tan b क्या है हमारा 30 डिग्री, यानी कि a ये b। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, tan 45 होता है 1 के इक्वल, tan 30 किसके इक्वल होता है, tan 30 होता है 1/√3 के, और ये 1+ tan 45 किसके इक्वल होता है 1 के इंटू tan 30 होता है 1/√3 के। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व कर लो, यानी कि 1-1/√3 बाय ये हो गया 1, इसको 1 से इंटू करेंगे तो 1/√3 आ गया। यहाँ पे मैं ये लाइन डाल देता हूँ, ठीक है, इसे अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ये एलसीएम आ गया हमारा √3 एलसीएम आ गया इसका। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3-1, इसी तरीके से इसका √3 एलसीएम आ गया इसका √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा √3+1। ठीक है, इससे हमारे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा √3-1 और यहाँ पे आ गया √3+1 ये आ गया।
अब इसको आगे सॉल्व करना है, इसका हम रैशनलाइज कर लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी नीचे, यानी कि न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर को भी रूट थ्री माइनस वन से और ये रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा लिखा हुआ है इस फॉर्म में, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये इक्वल टू होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा रूट थ्री होल स्क्वायर माइनस वन। इसको सॉल्व कर लो, इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, खाली जगह पढ़िए, यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टू, ए कितना ए है ये बी है, ए कितना है हमारा रूट थ्री इंटू बी कितना है वन प्लस बी कितना है वन वन का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर देंगे, ये रूट कैंसिल हो गया थ्री और यहाँ पे वन आ गया, इसको सॉल्व करेंगे रूट से रूट कट गया, कितना आ गया थ्री माइनस टू रूट थ्री और ये वन, यहाँ पे आ गया टू। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तीन और एक कितना हो गया फोर माइनस टू रूट थ्री बाय टू। अब इसमें टू कॉमन ले लो, टू कॉमन आ गया हमारा, तो यहाँ पे क्या बचा टू माइनस रूट थ्री अपॉन में ये टू, इस टू से टू ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा टू माइनस रूट थ्री, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर?